लव यू बोले आपको तो आई हिट यू बोलना। विमल बोलो जुबान के सिर। किन बेटियों के टुकड़े हो रहे हैं? उन बेटियों के जिन बेटियों के माँ बाप ने सही वक्त पर सही संस्कार नहीं दिया। आप ये खोल खोल के दिखाएंगे तो देखने वाले का जा क्या रहा है? ये कितना बकवास आर्गुमेंट है। तुम्हारी बेटी यदि मोबाइल लेके भाग रही है यहाँ वहाँ, तुमसे छिपके मोबाइल चला रही है, समझ लो कि गड़बड़ है, फंस गई कहीं चोरी तुम्हारी। तो योगी जी द बेस्ट लीडर। हमें कितना किलो आलू मिल रहा है, टमाटर मिल रहा है, किस रेट पे मिल रहा है, महंगाई सस्ताई अपनी जगह। कुत्ता जहाँ जहाँ अपने पांव रख देता है, कुत्ता जहाँ जहाँ होता है वो अशुद्ध हो जाती है जगह। इसलिए अभी हमारे भारत में ना वित्त मंत्रालय किसको मिला है? निर्मला सीतारमण जी को, क्योंकि वह एक स्त्री हैं। इस बात का कोई तुक है? अल्प ज्ञानी है अनिरुद्धाचार्य, धर्म का व्यवसाय बना कर रख दिए हैं। अगर आपका पति कमा रहा है तो लड़कियों को जॉब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर औरत अपने पति को खुश रखेगी तो आदमी बाहर जाएगा ही नहीं। बाबा जी इसे तो हिपोक्रेसी कहते हैं। आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता तो, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, घर ले जाती हूँ, मैं पीती हूँ। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी संत महात्मा स्पिरिचुअल गुरु या कथावाचक को डिफेम करने के लिए नहीं बनाई गई है। इस वीडियो में फैक्ट्स हैं, मेरा पर्सनल एनालिसिस है और एक अनबायस्ड ओपिनियन है सेकुलरिज्म को और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रमोट करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य महाराज की 70% बातें और प्रवचन बिल्कुल सही हैं। वो अपनी कथाओं से लोगों को अच्छा ज्ञान देते हैं, वो भी एक बहुत ही फन लविंग वे में, विच इज रियली नाइस। तो जब आपकी पत्नी है तो आपको दूसरा विवाह क्यों करना है? उसको भी एक स्त्री का घर बिगाड़ने का पाप तो उसको भी लगेगा ना, कि वो बसा बसाया घर उजाड़ देगी। ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह होती है मैया। आइसक्रीम आपके हाथ में है, या तो टेस्ट कर लो, नहीं तो वेस्ट तो होनी ही। वो बताते हैं कि अपने माँ बाप की सेवा करो, शराब मत पियो, खूब पढ़ाई करो, नौकरी की ना सोच कर बिजनेस की सोचो, हमेशा खुश रहो। कई लोग उनके पास आकर ये भी क्लेम करते हैं कि उनके प्रवचन की वजह से उन्होंने शराब पीनी छोड़ दी। साथ ही कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पहले उन्हें बहुत डिप्रेशन था, स्ट्रेस था, एंजाइटी थी, मगर कथा सुनने के बाद अब वो बहुत खुश हैं। ये सच में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक तो वो सिर्फ प्रवचन नहीं दे रहे, वो खुद भी वृंदावन में आश्रम चलाते हैं और वहाँ उन बुजुर्ग महिलाओं की सेवा करते हैं जिनका परिवार उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। उनका 70 में आ की मात्रा जोड़कर 17 होना भी समझ आता है। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए, आ की मात्रा जोड़ दो हो जाएगा। वो बताते हैं कि वो ये सब मजाक मस्ती के लिए बोलते हैं, लोगों को हंसाने के लिए बोलते हैं। बिस्किट का विश की किट होना भी समझ आता है, क्योंकि बिस्किट में सच में एक्सेसिव अमाउंट में चीनी और मैदा होती है और वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। बिस्किट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट, बिस्कुट जिसमें विस कूट कूट के भरा हो, और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। साथ ही वे बॉलीवुड के सख्त खिलाफ हैं। उनका कहना है कि बॉलीवुड गुटके का प्रचार करता है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसर हाईली सेक्सुअल कंटेंट बनाता है और वेस्टर्न कल्चर और उनकी ड्रेसेस को भी प्रमोट करता है। बाबा की ये सारी बातें समझ आती हैं, क्योंकि ये एक हद तक हम सभी के लिए अच्छी हैं। बट सॉरी टू से, उनकी 30% बातें हाईली प्रॉब्लमैटिक हैं और एक हिडन एजेंडा की तरह दिखाई देती हैं। सबसे पहली बात है प्रमोटिंग पेट्रियार्कल सोसाइटी एंड टारगेटिंग ओनली वुमेन। कहने का मतलब है कि वो पितृसत्तात्मक समाज को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं और मोस्टली उनका सारा ज्ञान सिर्फ औरतों के लिए ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, उनको लड़कियों की मॉडल ड्रेसेस से प्रॉब्लम है, जिसको वो सो कॉल्ड मर्यादा कहते हैं। हमने आपको खोल के दिखाया तभी तो आपने देखा, हमने खोल के दिखाया ही नहीं होता तो आप कैसे देखते, है ना? अब हम ही खोल खोल के दिखाएं और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो, तो ये कहां तक सही है? आप ही खोल खोल के दिखाएंगे तो देखने वाले का जा क्या रहा है? इसीलिए कहा करता हूँ कि मर्यादा में रहना सब प्रकार से सही है। वो कहते हैं कि ऐसे कपड़े देखकर लड़के उत्तेजित होते हैं। अपने कंधे से दुपट्टा मत सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की भीख मांगेंगे। भाई पहनावा भारत में होना तो मर्यादित ही होना चाहिए। लड़कों को देखकर लड़कियां तो उत्तेजित नहीं होती महाराज, तो कायदे से तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बेटे को सिखाएं कि जैसे आपकी बहन की इज्जत है, उसी तरह दूसरी लड़की की भी इज्जत है। फिर अब इन्हें लड़कियों के जॉब करने से भी दिक्कत है। ये सीधा बोलते हैं कि अगर आपका पति कमा रहा है तो लड़कियों को जॉब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो महाराज जी, आप ये भी बता दीजिए कि अगर पति अपने पैसों का रौब दिखाने लगे या किसी कारण से एक लड़की का डाइवोर्स हो जाए, तब वो क्या करे? क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वो है नहीं, क्या फिर वो आपके पास आए? आप रखेंगे ऐसी औरतों को? क्योंकि ये ज्ञान भी आप ही दे रहे हैं। लड़ाई के वक्त भी वो लड़कियों को ही मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने की सलाह देते हैं।
वो बात अलग है कि जब सामने वाला उनसे इस बारे में सवाल करता है तो वो फॉर्मेलिटी के लिए लड़कों को भी कह देते हैं। शादी के बाद मतलब हम लोगों का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं। आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी होता है, मेरी तरफ से भी। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। साथ ही जब उनसे पूछा जाता है कि सारी हिदायतें सिर्फ लड़कियों के लिए ही क्यों, तो उनका कहना है कि लड़कियां ज्यादा समझदार होती हैं, उनके ऊपर दो परिवारों की जिम्मेदारी होती है। भैया होती नहीं है, आप जैसे समाज के ठेकेदारों ने डाली हुई है। जिम्मेदारियां तो इक्वल भी की जा सकती हैं, पर नहीं, औरतों को आदमियों से नीचे जो रखना है। पैट्रियार्कल सोसाइटी को बढ़ावा भी तो देना है ना। मतलब ये मेंटालिटी ना मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। रेप लड़के कर रहे हैं, गलती लड़की की है कि वो अति सुंदर है। छेड़ लड़के रहे हैं, दोष लड़की का है। पति घर में शराब पीकर आ रहा है, अपनी पत्नी को रोज मार रहा है, फिर भी औरत समझे, अपने पति को भी सुधारे, रोज मार भी खाए और फिर उसी के साथ रहे। अच्छा पता है, मार्केट में ना एक नया बहाना आया है कि अगर औरत अपने पति को खुश रखेगी तो आदमी बाहर जाएगा ही नहीं। मतलब अगर पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो गलती किसकी है? ऑब्वियसली औरतों की। लड़कियों के 36 टुकड़े होने का भी जस्टिफिकेशन है कि अगर उनका कोई बॉयफ्रेंड है, वो बाहर जाकर मूवी देख रही हैं, तो लड़कियों के 36 टुकड़े तो होंगे ही। किन बेटियों के टुकड़े हो रहे हैं? उन बेटियों के, जिन बेटियों के मां-बाप ने सही वक्त पर सही संस्कार नहीं दिया। का संस्कार दिया होता और बेटियों ने संस्कार को फॉलो किया होता, चरितार्थ किया होता, तो आज उस बेटी के इतने टुकड़े ना होते। आजकल की बेटियां अपने मां-बाप को बेवकूफ समझती हैं। कुछ बेटियां, हमारे मां-बाप को कुछ नहीं जानते, हम बड़ी हो गई हैं, हम आत्मनिर्भर हो सकती हैं, हम सेल्फ डिपेंड हैं, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, किसी की सलाह एडवाइस की जरूरत नहीं है, हमें कोई आवश्यकता नहीं। और उसी का परिणाम है कि 35 टुकड़े हो जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि फिर हो जाए टुकड़े तो हो जाने दो। यदि आप ये थिंकिंग वाले व्यक्ति हैं कि हो जाने दो फिर टुकड़े, यदि आप टुकड़े कराने को तैयार हैं तो फिर आप आजाद छोड़ दीजिए। इन सब के अलावा अनिरुद्धाचार्य जी के हिसाब से माँ बाप भगवान होते हैं, उनकी सारी बातें मानी जानी चाहिए, जो कि एक हद तक बिल्कुल सही है। लेकिन सर, क्या आपने टॉक्सिक पेरेंट्स नाम की कोई चीज सुनी है? मैं आपको बताती हूँ, पेरेंट्स हमेशा सही नहीं होते, उनकी हमेशा हर बात मानना बेवकूफी है। शायद आपको नहीं पता होगा कि बहुत सारे परिवारों में पेरेंट्स भी अपने बच्चों को टॉर्चर करते हैं। इसके बाद दूसरा इशू है प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ मेकिंग इंडिया अ हिंदू राष्ट्र एग्रेसिवली इन अ सेक्युलर कंट्री। अनिरुद्ध महाराज गाय को पालने की सलाह देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर साथ ही वो कुत्ता पालने को मना करते हैं। और किसी एनिमल को एज अ पेट रखने की सलाह वो क्यों नहीं देते? कुत्ते को दहली के बाहर रखा जाता है, घर के अंदर नहीं। कुत्ता जहाँ जहाँ अपने पांव रख देता है, कुत्ता जहाँ जहाँ होता है वो अशुद्ध हो जाती है जगह। आज के जमाने में फैशन का जमाना, तो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं कुत्ते। गाय है आपके घर में? गाय भी ना, छोटी सी गाय आती है जो हिमालय तरफ की गाय है ना, वो बहुत छोटी सी होती है। वो गाय यदि आप घर में रखेंगे तो वो आपके बिस्तर में सो सकती है, वो आपके संग खा सकती है, मतलब छोटी सी होती है, 1 लीटर दूध देती है वो। तो कुत्ते वालों को उस गाय के साथ मैनेज कर लेना चाहिए। इनके अलावा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने तो एक मुहिम शुरू की हुई है कि वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। एक बार आपकी अदालत शो के एंकर रजत शर्मा धीरेंद्र शास्त्री से पूछते हैं कि आप हनुमान जी से क्या चाहते हैं? खंड भारत, सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र। तो वो कहते हैं कि सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र और उसके बाद अखंड भारत। आजकल ये मांग कई संत करने लगे हैं, लेकिन मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखती हूँ, इसलिए मेरे हिसाब से ये मांग ठीक नहीं है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, तो सर क्यों आप लोग रिलीजियस सेंटिमेंट्स भड़काने वाले काम कर रहे हो? क्यों भारत को दूसरा पाकिस्तान या अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं? इस डिस्क्रिमिनेशन का कोई एंड नहीं है। अभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, फिर ब्राह्मण शूद्र की होगी। शायद स्टेटमेंट्स देना बहुत आसान है, क्योंकि जब आपकी इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से कोई बहुत भयानक और बड़ी प्रॉब्लम होगी तो भारत की और देश की सिक्योरिटी सेफ्टी इंश्योर करने तो आप लोग ही आएंगे। अपने रिलीजन को सबसे अच्छा मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हजारों लाखों लोगों के दिमाग में ये फीड करना कि भारत सिर्फ सनातनियों का है, ये सही नहीं है। साथ ही अनिरुद्ध महाराज और धीरेंद्र शास्त्री ये भी कहते हैं कि बस भारत को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दीजिए, उसके बाद चाहे दूसरे धर्म के लोग भी आ रहे, उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये डिसाइड करने वाले आप हैं कौन? देश जितना आपका है उतना बाकियों का भी है। ये लोग इक्वालिटी की बात क्यों नहीं करते? क्यों ये भारत को एक रिलीजियस कंट्री बनाने पर तुले हैं? इवन मेकिंग दिस आइडिया ऑफ डिस्कसिंग द फॉर्मेशन ऑफ हिंदू राष्ट्र सो कॉमन इज नॉट राइट। It's a secular country and we have a law-based constitution to follow to. If we can live peacefully, then why to instigate religious tensions? इसके बाद तीसरा issue है distorting the facts and giving illogical reasons. मतलब गलत facts बताना और logicless argument करना।
एक बार अनिरुद्ध महाराज ने कहा था कि भगवान कृष्ण का विवाह उज्जैन में हुआ था, इसीलिए भगवान शिव भगवान कृष्ण के साले हुए। आपने बता दिया कि शिव जी जो हैं वो उनके जीजा हो गए कृष्ण। इस कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद परम ज्ञान आश्रम के साधु संतों ने इस कथा पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी और ऐसी मांग की थी। उस वक्त न्यूज 18 की रिपोर्ट्स के मुताबिक जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा था कि अनिरुद्धाचार्य को पहले अपना अध्ययन यानी कि रिसर्च बढ़ाने की जरूरत है। उनका बयान अशास्त्रकर और अमर्यादित है। वहीं राष्ट्रवादी बाल संत दिवाकर आचार्य जी महाराज ने कहा था कि अनिरुद्धाचार्य ने धर्म को व्यवसाय बना दिया है, जिन्हें शास्त्र वेद और उपनिषदों का ही ज्ञान नहीं है। फिर निरंजन अखाड़े के साधु संतों ने भी कड़ा विरोध जताते हुए उन पर अपने फायदे के लिए सनातन संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अनिरुद्धाचार्य ने संत समाज से ये कहकर माफी मांगी थी कि अगर संतों का दिल दुखा हो तो मैं उनके श्री चरणों में सर रखकर उनसे माफी मांगता हूँ। अनिरुद्धाचार्य को पढ़ना चाहिए और उतनी ही बात करनी चाहिए जो शास्त्र सम्मत हो। अल्प ज्ञानी है अनिरुद्धाचार्य, ऐसे कालनेमी जो धर्म का व्यवसाय बना कर रख दिए हैं, जिनको शास्त्रों का वेदों का उपनिषदों का कोई ज्ञान नहीं है। और यदि मेरी वाणी से किसी का दिल दुखा है तो मैं सभी संतों से, ये दास अनिरुद्ध, आप सभी संतों के श्री चरणों में अपना मस्तक रखकर करोड़ों करोड़ बार क्षमा प्रार्थना करता हूँ। इससे पहले भी अनिरुद्ध महाराज माता सीता और द्रौपदी पर कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। उन्होंने उनकी सुंदरता को एक दोष बताया, यानी कि एक प्रॉब्लम। इसके अलावा एक बार इन्होंने भगवान श्री वाल्मीकि जी के लिए भी अपशब्द कहे थे और इनके खिलाफ मथुरा में एक FIR भी दर्ज कराई गई थी। एक बार उन्होंने बताया कि मात्र 1-2% केसेस में ही औरत को आदमी के द्वारा परेशान किया जाता है, बाकी 90% केसेस में औरत ही औरत को परेशान करती है। ये स्टेटमेंट एकदम गलत है और इसका कोई फैक्चुअल एविडेंस नहीं है। फिर एक बार इन्होंने कहा कि औरतें पैसे बचाने वाली होती हैं, इसीलिए निर्मला सीतारमण को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है क्योंकि वे एक औरत हैं। इसीलिए अभी हमारे भारत में ना वित्त मंत्रालय किसको मिला है? निर्मला सीतारमण जी को, क्योंकि वह एक स्त्री हैं और स्त्री ही बजट बचा सकती है, पैसा बचा के रख सकती है एक स्त्री। इसके बाद न्यूज नेशन पर एक लड़के ने महाराज जी से पूछा कि वैसे तो सनातन धर्म में एक पत्नी रखी जाती है, तो जो श्री कृष्ण जी की 1108 पत्नियां थी वो रखना सही था? जरा देखिए महाराज जी इस पर क्या जवाब देते हैं। बेटा कृष्ण भगवान है, भगवान से अपनी तुलना नहीं हो सकती ना बेटा। उन्होंने एक उंगली से पहाड़ उठाया था, जिस दिन तुम एक उंगली से पहाड़ उठा लोगे ना, तुम भी कर लेना 16108। ये कितना बकवास आर्गुमेंट है, क्योंकि अगर ऐसी ही बात है तो क्यों बताया जाता है कि भगवान राम इतने पुरुषोत्तम थे, अपने माता पिता की इतनी बात मानते थे, उनके कहने से वनवास चले गए, हम थोड़ी ये सब कर सकते हैं, हम भगवान थोड़ी हैं। यहाँ तो फिर सारे पॉइंट ही खत्म हो जाते हैं। साथ ही संतों को विनम्र बताया जाता है, पर महाराज जी को तो हर उस सवाल पर गुस्सा आता है जो उनके अकॉर्डिंग नहीं पूछा जाता। यदि आपके पास प्रूफ है तो दिखा दीजिए आप। ज्यादातर बातों में वो बोलते हैं कि ये मैंने कहीं सुना था। मैंने तो ये सुना था कि सूरज सबसे पहले आकर डाले, ये तो गाना हम भी सुना, हम गाए थे स्कूल में। इस गाने के आधार पर मैंने कहा कि भाई जब कहा है इतने महापुरुषों ने, ठीक ही कहा होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बार उन्होंने कहा कि भारत में सबसे पहले सूरज उगता है, जो कि एकदम गलत है। फिर जब इसको लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मैंने एक गाने में सुना था। ऐसे ही वो बहुत सारे गलत कंपैरिजंस करते हैं। तो लिविन में रहना है तो हम कहते हैं कि पराई स्त्री के संग क्यों, विवाह कर लो और अपनी पत्नी और अपने पति के संग रहो। रावण जैसा कोई कितना पढ़ सकता है क्या? रावण सबसे बड़ा विद्वान था पर चरित्रहीन होने के कारण कोई पूजा नहीं करता, सब पुतले जलाते हैं। सॉरी टू से पर आप अनमैरिड यूथ का कंपैरिजन मैरिड रावण के साथ नहीं कर सकते। कुछ चीजें तो इससे भी ज्यादा इलॉजिकल है। महाराज बोलते हैं कि अगर पति पत्नी को वाइफ कहकर बुलाए तो पत्नी को कहना चाहिए कि मुझे धर्म पत्नी कहकर बुलाओ, मैं कोई रखेल थोड़ी हूँ। इस बात का कोई तुक है? आप ही बताओ। वाइफ का मतलब रखेल तो बिल्कुल नहीं होता। फिर मैडम कहने से भी इन्हें दिक्कत है। और दूसरी तरफ पतियों को रोज आई लव यू कहना सिखाते हैं। हम तो कहते हैं रोज अपने पति को एक आई लव यू दिया करो, रोज आई लव यू कहा करो, और पुरुष लोग भी आप भी आई लव यू कहा करो। एक तरफ खुद सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, हर जगह विद कैमरा जाते हैं, हॉस्पिटल जाते वक्त भी इनकी वीडियो शूट होती है, यहाँ तक कि एडिटर्स उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डिफरेंट एंगल्स के साथ वेल एडिटेड वीडियोस डालते हैं। और दूसरी तरफ इन्हें हर मॉडर्न चीज से प्रॉब्लम है, इंग्लिश से भी प्रॉब्लम है, तो बाबा जी इसे तो हिपोक्रेसी कहते हैं। इसके बाद चौथा इशू है पॉलिटिकल एजेंडा। इट लुक्स लाइक कि सेंटर में NDA दैट इज BJP के होने की वजह से ही इज फीलिंग फ्री टू स्पीक एनीथिंग रिगार्डिंग रिलीजन, क्योंकि BJP भी रिलीजन और सनातन धर्म की तरफ इंक्लाइंड है।
सेम विद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अनिरुद्ध महाराज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ओपनली सपोर्ट करते हैं। एक बार आरजे रौनक ने अपने पॉडकास्ट में उनसे सीएम योगी के बारे में पूछा तो महाराज ने कहा कि एक योगी ने पूरे यूपी को ठीक कर दिया, सारी व्यवस्था दुरुस्त कर दी। योगियों के हाथ में ही सत्ता होनी चाहिए क्योंकि उनका परिवार नहीं होता। योगी जी इज द बेस्ट लीडर। तो योगी जी द बेस्ट लीडर। अब तो बाबा जी ने सबकी अकल ठिकाने लगा दी, सबकी गुंडागर्दी घुस गई। पूरी तारीफ करने के बाद ये भी बोलते हैं कि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। योगी जी और मोदी जी अच्छा करेंगे तो मैं मोदी जी को अच्छा कहूंगा, मोदी जी बुरा करेंगे तो मोदी जी को बुरा कहूंगा। पर सर मुझे ऐसा लगता है आप बुरा नहीं कह पाएंगे क्योंकि आपको उनकी कोई बात बुरी लगेगी ही नहीं कभी। साथ ही पीएम मोदी से गौहत्या बंद कराने की मांग की, यूपी में राज करने वाली पुरानी सरकारों की भी खूब आलोचना की। साथ ही अयोध्या में बीजेपी के हारने से भी बाबा को बहुत दुख हुआ क्योंकि उनके हिसाब से जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके राम भगवान को स्थापित किया, कश्मीर से धारा 370 हटाई, सनातन धर्म को बढ़ावा दिया, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। बाबा जी ने तो बीजेपी को वोटर सपोर्ट करने का पूरा मैसेज दे डाला और कहने को वो किसी के पक्ष में नहीं है। फिर एक बार एंकर शुभांकर मिश्रा ने उनसे पूछा कि क्या वो कभी राजनीति में आएंगे तो उन्होंने यहाँ भी बीजेपी का एंडोर्समेंट कर दिया। अब बताइए योगी जी संत हैं, एक बाबा ने पूरी यूपी ठीक कर दी कि नहीं? तो बाबाओं को हल्के में ना लिया जाए, बाबा मोह माया नहीं रखते पर बाबा पूरा मोर्चा संभाल लेते हैं। इशारों इशारों मैसेज दे दिया सबको। चुनाव लड़ेंगे आप कभी? चुनाव कहाँ लड़ा मैंने, लड़ेंगे कभी? अच्छा है, जरूरत नहीं है। अभी योगी जी है, मोदी जी है, जहाँ लगेगा कि हाँ जरूरत है। ये बात आई ना, देखिए असली वाली। ऐसे ही एक बार धर्मा लाइफ के पॉडकास्ट में बाबा ने कहा कि राम मंदिर बनवाने वाले हार गए और राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले, रामचरितमानस को जलवाने वाले जीत गए। तो बाबा जी राजनीति पर तो आप भी पूरी नजर रख रहे हैं। फिर वो एक और बात कहते हैं कि अपना लाभ मत देखो, राष्ट्र देखो, क्योंकि मोदी जी के आने से पूरी दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा हुआ है। हमें कितना किलो आलू टमाटर मिल रहा है वो मत देखो, कहने का तात्पर्य है कि हालात कुछ भी हो वोट बीजेपी को ही करना है। खुद का लाभ मत देखा करो कि मेरा कितना लाभ है। अरे मेरा लाभ हानि अलग विषय है, मेरे राष्ट्र का लाभ होना चाहिए। आज वर्तमान प्रधानमंत्री जी मोदी जी के आने से पूरी दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा हुआ। हमें कितना किलो आलू मिल रहा है, टमाटर मिल रहा, किस रेट पे मिल रहा, महंगाई सस्ताई अपनी जगह। फिर कहते हैं कि चाहे हम भूखे मर जाएं लेकिन हमारा राष्ट्र आगे होना चाहिए। पर सर भारत के लोगों से ही राष्ट्र है, लोग ही मर जाएंगे तो कौन सा भारत और कौन सा राष्ट्र। आगे बोले कि मोदी जी को मत नकारो, ऐसा करना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होगा। ऐसे प्रधानमंत्री को नकारो मत, नुकसान पाओ में कुल्हाड़ी मार लोगे। फिर उन्होंने अपने फेवरेट राजनेता का नाम भी बताया जो कि ऑब्वियसली मोदी जी हैं। साथ ही राहुल गांधी के हिंदुओं को हिंसक कहने वाले बयान को भी उन्होंने हाईलाइट किया। बाबा जी पूरी राजनीति कर रहे हैं पर कहने के लिए वो किसी के पक्ष में नहीं है। वाह क्या निष्पक्षता है, लाजवाब। आपको बता दूं कि अनिरुद्धाचार्य महाराज 34 साल के एक कथावाचक हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था, लेकिन फिर वो पढ़ने के लिए वृंदावन गए और वहीं रहने लगे। ये बाबा शादीशुदा हैं और इनके दो बच्चे भी हैं। बचपन में गरीबी की वजह से ये अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। रिसर्च के हिसाब से महाराज जी एक कथा के 1,00,000 रुपए लेते हैं, लेकिन एक इंटरव्यू में इन्होंने इस बात को डिनाई किया और कहा कि मुझे जो भी भक्त देता है मैं वो ले लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।